पूरी समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में खड़ी है। वो रोड से लेकर सदन तक जहां तक भी लड़ाई लड़ी जाएगी उनको न्याय दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। हम नई दिल्ली के जंतर मंतर में है। जंतर मंतर में जो सैलाब देखने को मिल रहा है, साफ साफ इसे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं बहुजनों की आवाज चंद्रशेखर आजाद के अंदर उतना वो जुनून है कि जब चाहे जितनी भीड़ इकट्ठा कर पाए। समाजवादी पार्टी के लोग भी आए हुए, इनसे जानेंगे कि समाजवादी पार्टी का कितना समर्थन रहेगा। भैया स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार हमें आह्वान हुआ है कि पूरी समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में खड़ी है। वो रोड से लेकर सदन तक जहां तक भी लड़ाई लड़ी जाएगी उनको न्याय दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अच्छा ये बताइए कि क्या जेट में सुरक्षा की क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए, एक ऐसा जंगल राज चल रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, कि एक इतने नौजवानों के, युवाओं के नेता, और ये सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है कि एक किसी भी सामाजिक नेता पर इस तरह का आत्मघाती हमला। तो आप जिसको सुरक्षा को लेकर आप कहते हैं कि हमारे यहाँ क्राइम हट गया, क्राइम नहीं है, मैं ये कहता हूँ यहाँ जंगल राज चल रहा है। जब एक नेता सुरक्षित नहीं है, किसी भी तरह का यहाँ आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ना न्याय की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, और आप देख भी रहे हो कि सारी पार्टियां एक होती हुई नजर आ रही हैं। जहां जहां देखा जा रहा है एनडीए सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है 24 में इनके पार्टी देखने के बाद? देखिए, जो देश हित में है, जो संविधान को बचाने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो सब एक हो रहे हैं और वो संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। आज जो इंडिया नाम रखा गया है वो संविधान को मानने वाले और संविधान को बचाने के लिए एकत्रित होकर एनडीए के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। इंडिया और एनडीए में क्या डिफरेंस है? सच्चाई और झूठ का फर्क है। कौन झूठा है, इंडिया? इंडिया एनडीए पार्टी झूठ है, भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी। इंडिया की जीत होनी है, इंडिया नंबर वन। कहीं न कहीं आपको बता दूं कि आंदोलन में भाग लेने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग भी आए हुए थे, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश किए। जिस तरह से अभी भी जत्था चला आ रहा है उन युवाओं का, उन बहुजनों का, साफ साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं यहाँ की आंदोलन से बहुत बड़ा फर्क होता हुआ नजर आएगा। बाकी क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया।